मैंने की है कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन डेली लाइफ में ये हमारे बहुत काम आती है। तो बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे ये मिल गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि इसका लिंक कहाँ है, ये कहाँ से ख़रीदे, तो उन लोगों के लिए मैंने लिंक डाल दिया, उन्हें हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मैं बता दूं कि मैंने फ़र्स्ट चीज़ क्या ली है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये एक डिस्पेंसर है जो कि हम लोग एज ए डिश वॉशर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अक्सर किचन के सिंक के किनारे जो हम लोग सोप और कवर वगैरह रखते हैं तो वो बहुत ही गंदी सी वाइब्स देती है, मतलब अच्छी सी नहीं लगती। तो मैंने इस तरह का इस बार परचेज़ करके देखा। ये कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता, अगर मैं इसे अच्छे से हैंडल करूँगी तो ये बहुत दिन चलेगा, अगर मैं इसे तोड़ फोड़ के यूज़ करूँगी तो बहुत जल्दी ही टूटेगा। चलिए इसे असेंबल करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और मैंने एक लिक्विड डिश वॉश भी ख़रीदा है ताकि मैं इसमें डाल सकूँ, विम का या कोई भी ब्रांड का ले लें और इसे इस्तेमाल करें। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं। इसके साथ आपको इस तरह का आयरन वूल भी मिला है, स्क्रबर भी मिला, मतलब सब चीज़ मतलब मिली है और बहुत ही रीजनेबल रेट में मिली है। तो असेंबल करके देखते हैं। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ सब किचन से रिलेटेड ख़रीदा है और सब ऑनलाइन है तो देख लें। और मैंने सबका जो प्लास्टिक वगैरह है मैंने सबको हटा दिया था क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो मैंने डायरेक्ट सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है और आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब मैं इसे सिंक के किनारे रखूँगी ना, इसमें लिक्विड डिश वॉशर डालूँगी और मैं इसे जब इस्तेमाल करूँगी उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और मैंने अभी फ़िलहाल खोलकर मतलब इस तरह से संभल करके दिखा दिया है। बहुत लोगों के घर में ये चीज़ होगी, है ना, कमेंट में बताइएगा किनके किनके घर में ये चीज़ है, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया और कितना जल्दी ये टूट गया, ये कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। ये है एक ग्लास लंच बॉक्स या स्टोरेज बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, इसमें सामान डालकर आप रख दें, माइक्रोवेव में इसे डालकर गरम कर ले, मतलब मल्टीपर्पज़ इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो ग्लास लंच बॉक्स जो है मुझे आजकल बहुत पसंद पड़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे शेप का ख़रीदा है छोटा बड़ा, और ये 600 ml का है, तो मुझे आजकल ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है तो मैंने ये ले लिया है। मतलब हस्बैंड को ऑफिस में दे दो लंच बॉक्स की तरह काम हो जाता है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा बच गई है और आपको फ्रिज में डालना, फिर डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करना, तो ये बॉक्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेंडली है ये। और यहाँ पर आप देख लें कि मैंने एक व्लॉग खोल रखा जो कि मेरे ही चैनल का है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपना ही व्लॉग। अभी हाल में मैं गई थी फतेहपुर सीकरी आगरा, तो फतेहपुर सीकरी का ये व्लॉग है। यहाँ पे आप एक दरवाज़ा जो देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी का, यहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था, तो ज़रूर इस व्लॉग को देखें जाकर मेरे चैनल से, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं मैंने क्या परचेज़ किया। ये जो है मेजरिंग कप, बहुत ज़्यादा इसका मतलब इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि कोई अगर रेसिपी देख लो यूट्यूब पर, अगर आपको उसको कॉपी करना है तो इस तरह का मेजरिंग कप होना चाहिए घर पे, क्योंकि वो बताते हैं दो कप ले लो, डेढ़ कप ले लो, हाफ कप ले लो, समझ ही में नहीं आता ना कि कितना बड़ा कप आपके पास होना चाहिए। तो आज से मैं इस कप को यूज़ करने वाली हूँ केक बेक करने के लिए, और भी जो भी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी उसके लिए। यहाँ पे आप देख लें जो सबसे बड़ा कप है वो 250 ml का है, जी हाँ 250 ml, 250 ml का, मतलब समझ में अब आएगा कि कितना मुझे क्वान्टिटी लेना है। आप भी ले लें और बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने फिर क्या लिया है। अभी फ़िलहाल तो मैं यही दिखा रही हूँ। हाँ ये है ग्लूगन, जी हाँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है घर में जो टूट फूट जाती हैं, और मतलब नॉर्मल ग्लू से फेविक्विक से भी नहीं छटती हैं, तो ये ग्लू गन ज़रूर होना चाहिए और ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है कोई भी चीज़ को, टूटे हुए चीज़ को ठीक करने में, और बच्चों के क्राफ्ट वगैरह में ये सब चीज़ का इस्तेमाल पड़ जाता है। इसके साथ मुझे दो ग्लू स्टिक मिली है, ये ग्लू गन है, मतलब ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो मैं इस पर एक रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊँगी। इसका रिव्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर हमेशा इसी तरह से बने रहिए, वीडियोज़ को देखिए, लाइक करते रहिए, है कि नहीं, इतना बोल रही हूँ तो लाइक कर दो ना प्लीज़। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, स्क्रैच ब्राइट। बहुत लोग यूज़ करते होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया ताकि आप भी मोटिवेट हो जाएं, अपने घर में ये लेकर आ जाएं। और ये बहुत अच्छे से किचन शेल्फ को ये क्लीन करता है, बहुत ही अच्छा होता है। और जो मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ वो है टाइल्स को साफ़ करने के लिए, कि किचन के टाइल्स को या बाथरूम के टाइल्स को, ये फ़िलहाल मैं बाथरूम में यूज़ करूँगी तो ये बाथरूम के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बॉटल वॉश करने वाला ब्रश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी गर्मी है और फ्रिज में आप पानी रख ही रहे होगे, बोतल रोज़ यूज़ कर ही रहे होगे, तो इस तरह का ब्रश ज़रूर होना चाहिए। और ये सिलिकन ब्रश है, बहुत अच्छे से बोतल की सफाई कर रहा है, मैंने इसे इस्तेमाल में ले लिया है और ये बहुत अच्छा है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और सबसे जो मैंने लास्ट का प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है इलास्टिक।
प्लास्टिक रबर है ये, ज़रूर होना चाहिए घर में मतलब। तो ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाएं।